आटा लेने आए हैं जी। आटा महंगा हो गया, सारी दुनिया के नाल ही है। की करते हो, की काम कर? मेहनत मजदूरी। किस तरह गुजारा हो रहा है? अल्लाह पाक कर रहे हैं, उन्हें भरना पेट। यह तो कोई शक नहीं, वादा ही उन्हें किया, रिस्क का वादा ही होता। असं यह ड्यूटियां दे रहे हैं। कितने बच्चे ने? मेरे पांच चार बेटे ने। माशाल्लाह, कितना मुश्किल हो गया इस दौर से बच्चों वास्ते रोजगार लेके जाना। अल्लाह मालिक है, की कर सकने हैं, मुश्किल हालात अपनियां कीतियां अगे आ रही हैं। मुल्क आजाद सी, असी खुद करना है। मैं भी बिच हाँ, तुम भी बेचो, असं सारे बेच हाँ। सारे मिलके आदत असी सारे ने मिलके किया, होर करन दे हम जी। हाले भी कट्ठे बैठ के ऐसी सोच ना कि ठीक कर लिए? नहीं, लड़ते रहना, एक करना ही नहीं असी। ये ठूठा हाथ दे बेच बार बर्बादी, जिदन ये बंद हो जाएगा ना उधर सही होएगा। आपस में लड़ते रहना इस तरह ही, क्योंकि वेखते ने दूजे का खीसा, अपना खीसा नहीं वेखते। जो ये बंद हो जाएगा मुल्क सही हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आती कैसे पूरा करें। एक चीज लेने जाओ तो उसका रेट जब भी खरीदने जाओ ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, उसमें इजाफा ही हुआ होता है। रेट नीचे नहीं आते, रेट ऊपर ही जाते हैं। पांच बच्चे हैं, कैसे मैनेज कर? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत हालात खराब है। आए रोज तो कीमतें बढ़ रही है। यही तो बता रही हूँ कि जब भी चीज खरीदने जाओ उसका रेट अलग ही आपको मिलेगा। आपने पिछली बार लिया था तो क्या? पिछली दफा लिया था तो 160 था, अब 170 है। उससे पिछली दफा लेके गई थी तो 150 था। 50 था बिल्कुल ऐसे, 170 अब 170 हो गया। देर पहले आपने पिछली 10 किलो लेके जाती थी, फिर 8 किलो पे आ गए, अब 700 का लिया, पता नहीं कितना आया। अब 700 पे एवरेज, मतलब पैसे तो नहीं खर्चते ना। हाँ जी, तादाद कम होती जा रही है। 10 किलो आ रहा था, फिर 7 किलो आ गया, 8 किलो आ गया, अब इस तरह ऐसे ही है।